समस्या हम ये लेके आए हैं कि जो अवैध बालू खनन का मामला चल रहा है वहाँ पे मशीनें लगा के बालू निकाली जा रही है, जिसमें से जो उपजाऊ जमीन है उस उपजाऊ जमीन को ट्रैक्टर के जरिए अनुपजाऊ बनाई जा रही है और उनका मुआवजा भी उन किसानों को नहीं दिया जा रहा है। जो ठेकेदार उन्होंने गुंडे पाल रखे हैं और वो उन गुंडों के जरिए बहन बेटियों की गाली दिलवाते हैं, फायरिंग करवाते हैं, एक डर का माहौल बना रहे हैं। इस तरीके से वहाँ बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को लेके हम लोग एक सूचना देने आए हैं जिलाधिकारी महोदय को। आज कुछ ग्रामीण वहाँ के आए थे और इन लोगों ने ज्ञापन भी दिया हुआ है और ये बातें बताई गई हैं। जहाँ तक ये कोलावल की बालू खदान नंबर 2 का है, ये मुझे लगता है कि अभी 4-5 दिन पहले ही शुरुआत हुई है, तो उसको हम लोग दिखवा लेते हैं कि ये जो किसानों के अगर भूमिधर हैं और अगर वो स्वेच्छा से रास्ता बनाने के लिए जमीन अगर नहीं दिए हुए हैं और अगर जो जबरदस्ती की जा रही है तो उस पर हम दिखवा लेंगे, और या जिन लोगों के साथ जिन किसानों ने उनके साथ रास्ता के अपना देने के लिए अपनी जमीन से कृषि जमीन से होकर के जाने के लिए दिया हुआ है और उसके लिए अनुबंध हुआ है, तो अगर ये लोग क्यों नहीं पेमेंट कर रहे हैं इसका भी हम निश्चित रूप से जाँच करवा